तो दोस्तों, क्या आप भी ग्रुप सी निकालने की तरफ जाना चाह रहे हो? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपसे ना हो पाएगा। करना क्या है? मैन टू मैन मार्किंग, मैन टू मैन मार्किंग करनी है। फुटबॉल हॉकी में सुना होगा, वही यहाँ पे भी करना है। आता क्या है सिलेबस में? 20 नंबर की हिंदी आती है, 40 नंबर की आती है आपकी उत्तराखंड, और 40 नंबर की आती है आपकी जीएस, और साथ में एप्टीट्यूड और रीजनिंग। अब यहीं पे करनी है मैन टू मैन मार्किंग। 20 नंबर की जो आपकी हिंदी आ रही है उसमें से 15 से 18 नंबर आराम से निकाले जा सकते हैं। जो उत्तराखंड आती है 40 नंबर की, 35 नंबर तक, 30 से 35 नंबर लाने की कोशिश करो, निकाले जा सकते हैं। सबसे इजी टारगेट है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आती है 40 नंबर की जीएस विद रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। उस 40 में से भी 20 से 25 नंबर में आपके आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आप जो पढ़ते हो, कंप्यूटर पढ़ते हो, आप जो स्पोर्ट्स का पढ़ते हो, ये सारी चीजें ये जीएस में ले लेता है। और उसमें भी आप आराम से 18 से 20 नंबर मजे से ला सकते हो अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी है तो। बाकी बचते हैं 5 नंबर। उस 5 नंबर में आती है करंट, प्रतियोगिता, दर्पण, पढ़ो, ये सारी चीजें पढ़ो, आप करंट अच्छे से निकाल सकते हो। 5 नंबर की जो करंट आएगी बहुत टफ नहीं आती, उसमें उत्तराखंड की करंट भी होती है, तो 3 नंबर तो आराम से निकाले जा सकते हैं। बाकी बचते हैं 10 नंबर, उसमें आती है भाई आपकी रीजनिंग एप्टीट्यूड, वो अगर थोड़ी भी आपकी अच्छी है तो भाई उसमें 10 में से 8 नंबर निकाल सकते हो। दोस्तों, एक काटे पीटे मार्क्स को अगर हम जोड़ लें तो 72 से 75 मार्क्स बनते हैं, जो कि एग्जाम निकालने के लिए बिल्कुल काफी है। कोई नहीं रोक सकता आपको एग्जाम निकालने से, सिवाय पेपर लीक ना हो जाए बस। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय उत्तराखंड, जय भारत।